Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. Meerut ke retired judge Ravi Malhotra ka shav Dasna Nehar mein mil gaya, lekin tamam sawal aise hain jo abhi bhi unsulje hain. Haath mein rassi bandhi hona वह सिर पर चोट का निशान कहीं ना कहीं यह इशारा कर रहा है कि उनके साथ कुछ अनहोनी हुई है। इस आशय की शिकायत लेकर आज परिजनों ने मेरठ कॉलेज प्रबंध समिति के पदाधिकारियों कैंट विधायक अमित अग्रवाल महापौर हरिकांत आहलूवालिया को लेकर एसएसपी से मुलाकात कर इसकी जांच कराने की मांग की। इन लोगों ने शक जताया कि संभवतः उनकी हत्या की गई है। नवनियुक्त पुलिस कप्तान ने इसकी जाँच कराने का आश्वासन दिया है। दरअसल रिटायर्ड जज रवि मल्होत्रा रहस्यमय हालत में गायब हो गए थे। उनकी कार, चाबी व पर्स भोला की झाल पर लवारिस हालत में मिले थे। आशंका जताई जा रही थी कि संभवतः उन्होंने आत्महत्या कर ली है। करीब चार दिन बाद उनका शव डासना नदी से बरामद हुआ था। आज पुलिस कप्तान से मिलने के बाद कैंट विधायक अमित अग्रवाल ने यह जानकारी दी। बाल जज रवि मल्होत्रा जी, उनका जो शव मिला है नहर में, डासना में, उस मामले में मिले हैं। ये आशंका ये है हम लोगों को कि उनकी हत्या की गई है। जो बॉडी मिली है उसमें सिर में चोट है, खून के धब्बे हैं बॉडी पर, और हाथ में रस्सी भी बंधी है। तो कोई व्यक्ति अगर आत्महत्या करेगा तो रस्सी तो नहीं बांधेगा अपने आप। तो वो सब इस बात इंगित कर रही है शोर कि हत्या की गई है। गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना जानी में दर्ज है, तो उसको हत्या में दर्ज की जाए इस बात को लेकर हम मिले थे, और उसकी पूरी जांच हो, सीसीटीवी कैमरा और फॉरेंसिक जांच हो, ये निष्कर्ष निकलना जरूरी है। परिवार को भी पता तो लगे कि उनके संग क्या हादसा हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो पुलिस का काम है देखिए आने का, उसको और फॉरेंसिक रिपोर्ट जो आएंगी उसको मिलान करने के बाद ही कोई रिजल्ट निकलेगा। वो हमारे मेरठ कॉलेज के भी बड़े सामान्य सदस्य थे, बहुत पुराने, और मेरे साथ तो उनका समझिए लगभग जवानी का 50 साल पुराना संबंध है मल्होत्रा साहब से। उनका बेटा भी हमारे साथ आया है, तो मेरठ कॉलेज के सचिव भी, मेरठ कॉलेज के अध्यक्ष भी साथ में आए हैं। हमारे मानकर अध्यक्ष हैं, महापौर जी हैं, सब लोग सभी से चिंता में आए हैं, इसका जानकारी होनी चाहिए। नहीं, शक किसी पर नहीं है। वो इतने शांत स्वभाव के थे, उनसे कोई झगड़ा कोई रगड़ा किसी का किसी तरह का नहीं था। वो बोलते भी कम थे और बहुत शांत स्वभाव के थे, तो किसी के ऊपर शक तो नहीं जताया जा सकता। लेकिन ये अज्ञात बात है, तो उसकी जांच तो जांच के बाद ही पता लगेगा कि किसका हाथ है और किसने किया है। इसने क्या कहा है? ऐसे उसने ना पूरा आश्वासन दिया है, जांच कार्रवाई के लिए कहा है। एक एप्लीकेशन के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा 302 का, और उसके तहत कार्रवाई होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।